अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। और जैसा कि हमने कहा था, ओल्ड एरिया का भरपूर शौक कराएंगे आपको। और हम मौजूद हैं गार्डन के एक अपार्टमेंट में। बिल्कुल आपने ठीक सुना, एक अपार्टमेंट में। और ये अंडरग्राउंड पार्किंग है जहाँ पे ये पूरा सेटअप जो है क्रिएट किया हुआ है। मीन्स जो इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं, पूरा जैसे कि एक बाड़ा होता है आउटसाइड, तो इनसाइड पार्किंग में आप लोगों के यहाँ भी ऑब्वियसली जो लोग इस तरह रहते हैं, तो अंडरग्राउंड पार्किंग में बकरा ईद में ऐसा ही माहौल होता है। और माशाल्लाह खूब शौक करने वाले लोग, जैसा कि मैंने बताया था कि ओल्ड एरियाज़ की तो फिर बात ही अलग है शौक की, कि अभी से ये माहौल है आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, और ख़ूबसूरती और माशाल्लाह लोगों का शौक, क्या बात है। पाड़ा चेक करें, माशाल्लाह पिंक नोज में। अब हर तरह की आपको जो है आइटम यहाँ पे मिल जाएंगे, बकरे बछड़े कैटल फार्म का और पाड़ा, मतलब सब शौक एक जगह। और वो कहाँ मिलते हैं, वो सिर्फ आपको ओल्ड एरियाज़ की गलियों में मिलते हैं जहाँ पे आप जाएंगे। और यहाँ तक के गलियों की बात छोड़ें कि आपको अपार्टमेंट्स के अंदर भी शौक मिल रहे हैं, जहाँ पे लोग अपनी गाड़ी पार्क करने जाते हैं वहाँ पे आपको माशाल्लाह। ये गिनी चेक करें खूबसूरत, और ये माशाल्लाह बकरों के कलर चेक करें। इस तरह के कलर्स मेरे पर्सनली मेरे ख़ुद के फेवरेट हैं। कितने खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्राउन कलर में ओरियो, अबलग बकरा माशाल्लाह, और सुडानी दुम्बा माशाल्लाह। भाई हर तरह का जो आप मंडी में जो है इतना घूम फिर के जो है आप बोलेंगे यार सुडानी दुम्बा देखना है या खूबसूरत बकरे देखने हैं, खूबसूरत बछड़े देखने हैं, वहाँ आपको ये सब एक ही जगहों पे मिल जाता है ओल्ड एरियाज़ की गलियों में। क्योंकि यहाँ पे शौक करने वाले लोग हैं माशाल्लाह, भरपूर शौक करते हैं। और देखें अभी बकरा ईद में तकरीबन 10 दिन बाकी हैं और महंगाई भी काफ़ी हो गई है, बट फिर भी जो है माशाल्लाह फुल माहौल बनाया हुआ है, चेयर्स लगा के बैठे हुए हैं, बच्चे घूम रहे हैं। फिर बकरा ईद की तो फिर बात ही अलग है, यही माहौल होता है जिसमें फिर मज़ा आता है। माशाल्लाह बछड़े का वजूद चेक करें खूबसूरत प्रिंट में, अब लग माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा। और माशाल्लाह ये गेना चेक करें, अब लग में खूबसूरत, और आई पे जो ब्राउन मार्क है बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और उन दो वाइट की तो क्या बात।